अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैयद हैदर अली एमएससी, जिनका ताल्लुक दिल्ली से था, उनका एक वाक्य आपको सुना रही हूँ। वो कहते हैं, जून 1965 का वाक्य है, मैं नैनीताल के एक स्कूल में फिज़िक्स का उस्ताद था। एक लड़का मेरे पास ट्यूशन के तौर पर पढ़ने आता था, उसका नाम वज़ीर सिंह था। उम्र तकरीबन 17 साल थी। एक रोज़ वो किसी कदर देर से आया। हाल ये था कि कमीज़ फटी हुई, होंठों से खून जारी, बाल बिखरे हुए। उसका ये हुलिया देखकर मैंने खैरियत दरियाफ्त की। उसने बताया वो आ रहा था कि रास्ते में एक मुकाम पर एक रिक्शे वाले से उसका टकराव हो गया। इसके बाद लड़के में और रिक्शे वाले में तू तू मैं हुई और दोनों लड़ गए। रिक्शे वाला सरदार था और अपने रवायती हुलिये में था, मगर लड़का बेदाढ़ी मूंछ और बगैर पगड़ी था। बज़ाहिर मालूम यह होता था कि वो सरदार है। लड़ाई में रिक्शे वाले ने लड़के को पटक दिया और मारने लगा। इतने में लड़के ने पंजाबी जबान में रिक्शे वाले को बुरा भला कहा। यह सुनकर रिक्शे वाला ठटक गया। उसने पूछा, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? वजीर सिंह। क्या तुम सरदार हो? हाँ। इसके बाद रिक्शे वाला फौरन उठ गया। पहले क्यों नहीं बताया, सरदार सरदार को नहीं मारता, उसने कहा, और दोनों गर्द झाड़ते हुए अपने अपने रास्ते पर चले गए। ये एक सबक कामोज कहानी है जो मैंने आपको बताई। इसमें से आप सबक निकालिए और ये देखिए कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, जब किसी की इज्जत करते हैं, तो उन लोगों से तो हम नहीं लड़ते। अपने आप इस क्राइटेरिया पर अब आप अपने आप को जज करें कि जिन लोगों के साथ आपकी हाथापाई होती है, जिन लोगों के साथ आप लड़ाई करते हैं, वो किस बुनियाद पर करते हैं।